हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा इंट्रोडक्टरी एपिसोड है एंड इंट्रोडक्टरी एपिसोड बोलें या इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स बोलें, जब स्टूडेंट्स हमारे साथ हमारे इंस्टीट्यूट में होते हैं, हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं, तो जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि हम उनके बिहेवियर को, किस रीजन से वो आए हैं या उनकी बातचीत कैसी है, उनकी बोली कैसी है, उसको सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि उन्हें काम करना है हिंदी माध्यम में। और जब वो हिंदी माध्यम में काम करते हैं तो उनकी भाषा, बोलचाल, बिहेवियर हिंदी यानी व्यवहार हिंदी माध्यम के हिसाब से होना चाहिए। तो हमारे इंट्रोडक्टरी क्लास में हम स्टूडेंट को पहचानते हैं, उसकी क्या प्लस पॉइंट है और क्या माइनस पॉइंट है। जो प्लस पॉइंट है उन्हें हम पॉलिश करते हैं और जो माइनस पॉइंट है उनको हटाकर नई क्वालिटीज जो कि रिक्वायर्ड हैं हिंदी माध्यम में, हिंदी सिनेमा में, हिंदी सीरियल्स में काम करने के लिए, वो चीज़ें उनमें पैदा करते हैं, कल्टीवेट करते हैं कई एक्सरसाइजेस के माध्यम से। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि स्टूडेंट का जो आवाज का लेवल है वो कैसा है, क्या वो हिंदी सीरियल्स में आवाज उसकी कितनी चलने लायक है या हिंदी फिल्मों में उसकी आवाज से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो उसकी आवाज को देखकर, समझकर उसकी आवाज में अगर कोई कमी है तो हम उसको सुधारने के लिए कई तरह की एक्सरसाइजेस रिकमेंड करते हैं, जो कि हमारी ट्रेंड फैकल्टी उन्हें लगातार थ्रू आउट द कोर्स करवाती हैं, उसका अभ्यास करवाती हैं, उसका अभ्यास कराती हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि एज एन एक्टर उनका लेवल ऑफ एक्टिंग कितना है। तो उस लेवल ऑफ एक्टिंग को समझकर, उनके एक्सप्रेशंस को देखकर हम लोग ट्रेनिंग देते हैं उन्हें, और वो ट्रेनिंग भिन्न भिन्न मुद्राओं की होती है, अलग अलग रस जो होते हैं अभिनय के, खुशी, दुख, रोना, एंगर, सरप्राइज, जी हाँ, फियर, रोमांस, घृणा, डिसगस्ट, नॉर्मल आपका स्पीच। तो ये हम पहले उनकी कैरेक्टराइजेशन के हिसाब से समझते हैं कि उनके अंदर ये जो रस हैं ये कितने लेवल तक वो परफॉर्म कर पाएंगे। तो उनका लेवल ऑफ परफॉर्मेंस हम इस इंट्रोडक्टरी एपिसोड में जज करते हैं, इंट्रोडक्टरी क्लास में जज करते हैं, और इससे हम स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को समझ पाते हैं। फिर स्टूडेंट के चलने के तरीके पर कि स्टूडेंट का वॉकिंग स्टाइल क्या है, क्योंकि देखिए साहब, हमें आपको प्रिपेयर करना है एक्टिंग के लिए, और जब आप हिंदी माध्यम से जा रहे हैं तो हिंदी फिल्मों के लिए, हिंदी सीरियल्स के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, तो हम उसी तरह की ट्रेनिंग आपको, जो हमारी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है, वो आपको देते हैं। इसके अलावा हमारी जो इंट्रोडक्टरी क्लास है, हम उसमें स्टूडेंट का लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि वो आसपास की चीज़ों को कितना ऑब्जर्व करता है, उसको भी समझते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट का लेवल ऑफ इमेजिनेशन क्या है, तो कितना इमेजिनेशन कर पाता है, क्योंकि देखिए ज्यादातर आप सीरियल्स या फिल्म्स देखते हैं, उनमें शुरू में एक पट्टी लिखी हुई आती है, कैप्शन होता है कि इस सीरियल में, इस धारावाहिक में सभी पात्र काल्पनिक हैं, उनका किसी भी मृत या जीवित व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, यदि कोई संबंध होता है तो वो मात्र संयोग होगा, और उसके लिए चैनल या फिल्म मेकिंग कंपनी किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है। यानी इट्स ए वर्क ऑफ फिक्शन,
दिमागी घोड़े दौड़ाने का काम है, तो उन दिमागी घोड़ों को कैसे दौड़ाया जाए और दौड़ाते हुए कैसे कंट्रोल किया जाए और कंट्रोल करके कितनी स्पीड दी जाए, यह आपकी इमेजिनेशन बताती है। तो हम देखते हैं कि स्टूडेंट का लेवल ऑफ इमेजिनेशन क्या है। इमेजिनेशन के बाद में आती है आपका लेवल ऑफ क्रिएटिविटी। आपने चीजों को इमेजिन किया क्रिएटिवली, कितने बेहतर तरीके से आप उनको सामने रख पाते हैं, तो यहां पर स्टूडेंट का इंटेलिजेंस लेवल वो जज किया जाता है, उसकी क्रिएटिविटी जज की जाती है। इसके अलावा हमारे पास में जितने भी स्टूडेंट रहते हैं, हम उन सभी स्टूडेंट्स की स्पॉन्टेनिटी को भी देखते हैं कि वो कितने स्पॉन्टेनियस हैं। कई बार आप कोई सीन कर रहे होते हैं तो उसमें आपके सामने कोई चीज ऐसी आ जाती है जिसके बारे में आपको बोलना पड़ता है, जो कि स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है पर आपको तुरंत बोलना है, तो हम ये भी जज करते हैं कि स्टूडेंट कितना शार्प है, स्टूडेंट कितना बोल पाता है उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। इंस्टेंटली, अचानक, बिना किसी तैयारी के और बिना कोई समय दिए। इसके अलावा स्टूडेंट का प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। कहीं पर भी आप शूट कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो वो प्रेजेंस ऑफ माइंड ऐसे काम आता है, आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, आपके को एक्टर्स का, पोजीशंस का, लाइटिंग का, दूसरे के हाव भाव का। और अगर किसी ने डायलॉग से हटकर कोई डायलॉग बोल दिया या किसी का डायलॉग चूक गया बोलना, आपने तो सीरीज में याद किया हुआ है, तो आपकी उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आती है कि अब मैं इस स्थिति को कैसे हैंडल करूं। ये हम जज करते हैं जब अपने स्टूडेंट को इनिशियली क्लास में एनरोल करते हैं। ओरिएंटेशन का यही मतलब है। ओरिएंटेशन का मैं फिर बता दूं, मतलब बिल्कुल नहीं कि सिर्फ नाम पता पूछना या किस शहर से आए हैं पूछना। नो, ओरिएंटेशन का मतलब है स्टूडेंट की कंप्लीट पर्सनालिटी को समझना। इसके बाद में हम ये भी देखते हैं कि स्टूडेंट के अंदर ग्रुप पार्टिसिपेशन की जो भावना है वो कितनी है, या कोऑर्डिनेशन की भावना, यानी वो मिलजुल कर कितना काम कर पाते हैं, या एज ए लीडर वो कितना काम कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, आफ्टर ऑल जितने भी शूट्स होंगे या जितनी भी रिकॉर्डिंग्स होंगी एक्टिंग को लेकर, या जितने भी थिएटर प्लेस होंगे जिनमें आप एक्टिंग कर रहे हैं, सब जगह कुछ बार, कई बार होता है कि सोलो परफॉर्मेंसेस होती हैं, बट ज्यादातर परफॉर्मेंसेस के अंदर एक ग्रुप इन्वॉल्व रहता है। तो ये देखना कि आप ग्रुप के अंदर कितने लेवल तक परफॉर्म कर पाते हैं, दूसरे लोगों को कितना समझते हैं, कितना उनको सपोर्ट करते हैं और कितना उनसे जेलिस करते हैं। जी नहीं, मैं किसी की टांग नहीं खींच रहा हूं, जेलस भी एक भाव है। जैसा मैंने कहा, अभिनय का भाव है, घृणा मैंने आपसे कहा, तो जेलस करना, तो आप कितने लेवल तक परफॉर्मेंस दे पाते हैं। हम ये भी जज करते हैं कि अगर इनमें कोई इस तरह का भाव है, जेलस भाव है, कॉम्पिटिटिव भाव है, तो उस भाव को अभिनय तक सीमित रखा जाए, उन्हें कैसे शांत किया जाए, ऐसे कौन से उनसे योग आसन कराए जाएं, ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस कराई जाएं जिनसे कि वो शांत होकर, एकाग्रचित होकर, पूरे फोकस के साथ में काम कर सके। तो हमें स्टूडेंट को ओवरऑल समझना होता है, हमें स्टूडेंट को ओवरऑल समझना होता है। और सबसे बड़ी बात कि स्टूडेंट में इतना कॉन्फिडेंस रहे वो आंख में आंख डाल के बात कर सके। अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो आई कांटेक्ट में बात नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं कि भाई आई कांटेक्ट के साथ कैसे आपको बात करना है।
ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग बनी रहे। इसके अलावा हमने बात की अभी तक कोऑर्डिनेशन की, फोकस की, स्पॉन्टेनिटी की, माइंड शार्पनेस की, ग्रुप एक्टिविटी की, अभिनय के भावों की, भाषा की, कमांड भाषा के ऊपर कमांड की, वॉइस क्लैरिटी की, डिसिप्लिन। अगले टॉपिक पर आता हूँ कि स्टूडेंट कितना डिसिप्लिन्ड है, कितना पंक्चुअल है। हम अपनी ओरिएंटेशन क्लास में स्टूडेंट से डिस्कस करके ये भी जानते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इन सभी चीज़ों को जानने का एक ही मकसद है, ताकि हम स्टूडेंट की ओवरऑल पर्सनालिटी को समझकर उन्हें ट्रेनिंग दे सकें। तो हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, वो स्टूडेंट की पर्सनालिटी को समझकर, मैं ये कहूँगा ग्रुप के अंदर तो आप लोग सीखते ही हैं, पर ग्रुप से ज़्यादा ये इंडिविजुअल अटेंशन वाली ट्रेनिंग है। इसके अलावा आपको अपने को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज करनी है, आप किस तरह अपने अंदर वो क्वालिटीज को पैदा करें, तो इन सारी चीज़ों को हम जज करते हैं अपने पहली क्लास के अंदर, जिसे हम ओरिएंटेशन कहते हैं। स्टूडेंट को जज करने के बाद में, स्टूडेंट को समझने के बाद में, उसके पोटेंशियल को समझने के बाद में, हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं टुवर्ड्स ट्रेनिंग। तो ये बहुत जरूरी है कि समझने के बाद स्टूडेंट को आगे फर्दर ट्रेनिंग के लिए लेकर जाया जाए। यही हमारा मकसद होता है और यही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ओरिएंटेशन क्लास का। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में विद मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्टिंग हम जल्द हाजिर होते हैं, एक्टिंग के बारे में और इन्फॉर्मेशन को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, दिस इज अरुण कोचर और हम अपने इस एपिसोड में बात कर रहे हैं एक्टिंग टिप्स के बारे में। हमने अपने प्रीवियस एपिसोड्स में भी कई एक्टिंग टिप्स के बारे में आपसे बात की है। उनमें हमने आपको कई एक्सरसाइजेस बताई हैं। एक्सरसाइजेस के अंदर स्पॉन्टेनिटी की एक्सरसाइज है, फोकस की एक्सरसाइज है, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन की एक्सरसाइज है, वॉइस क्लैरिटी की एक्सरसाइज है, हाउ टू क्राई ऑन कैमरा उसकी एक्सरसाइज है, हाउ टू बिल्ड द इमोशन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा उसकी एक्सरसाइज है, आपको कैसे वहाँ फोकस्ड रहना है उसके लिए हमने आपको बताया है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर हमने आपको डिस्कशंस की हैं कि कैसे आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी होती है। आपको कोऑर्डिनेशन रखना है, आपको कोऑर्डिनेशन रखना है, उसके लिए हमने आपको एक्सरसाइजेस बताई हैं। और आपको अगर कहीं कोई चीज़ में डिफ़िकल्टी आती है, आपको समझ नहीं आ रहा, या कोई चीज़ स्किप कर गई है, इम्प्रोवाइजेशंस हमने आपको बताया है, और अपनी ऑब्जर्वेशंस को वहाँ कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में आपको बताया है। कहने का मतलब ये है कि अपने एक्सेंट के ऊपर कैसे काम करना है, डायलॉग डिलीवरीज के ऊपर। सो देर आर अ होल लॉट नंबर ऑफ थिंग्स विच वी हैव टोल्ड यू एज टिप्स अबाउट एक्टिंग। तो एक्टिंग करते समय आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते तो आपकी सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी, आपके सीन्स प्रॉपर नहीं आएंगे, आपको लोग कॉल नहीं करेंगे, क्यों? आपने उनको अच्छे से रिहर्स नहीं किया है, इम्प्लीमेंट नहीं किया है। क्योंकि देखिए, एक्टर के साथ में पीछे एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही होती है। एक्टर फेस होता है उस प्रोजेक्ट का, बट उस फेस के पीछे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, कई लोगों की मेहनत उसमें इन्वॉल्व होती है। टीवी सीरियल की बात करूं तो एक यूनिट के अंदर तकरीबन 35-40 लोग होते हैं, बट अगर एक फिल्म प्रोडक्शन यूनिट की मैं बात करूं तो उनमें कई बार 100, 125, 150 लोग ऐसे शामिल होते हैं। तो एक एक्टर के पास में बहुत ही रिस्पॉन्सिबल टास्क होता है अपने भावों के माध्यम से
चीजों को एग्जीक्यूट करना, एक्सप्रेशंस को देना और उस एक्सप्रेशंस को एक टीम में देना। तो आपको इस चीज का बहुत बड़ा ध्यान रखना है कि जब एज एन एक्टर आप काम कर रहे हैं तो आप इन सब टिप्स का अच्छे से भरपूर इस्तेमाल करें और आप इन सब टिप्स को लगातार अभ्यास भी करते रहें। हम आपको एक एक्सरसाइज बताते हैं जिसको कि मिरर एक्सरसाइज बोलते हैं। आप शीशे के सामने खड़े होकर अभ्यास करते हैं। अब यही मिरर जब आप फिल्म के, सीरियल के सेट के ऊपर आप आते हैं तो यही मिरर बन जाता है आपका कैमरा। यस, आपको एक बात बता दूं, कैमरा के ऊपर आने से पहले आपने किसी प्लेटफॉर्म में काम किया होता है, जैसे कि थिएटर में। वो एक प्लेटफॉर्म है, मंच है, आपकी मूवमेंट फ्री होती हैं, आप इधर जाते हैं उधर जाते हैं, टेक्निक्स वहां पर भी होती हैं। जैसे आपने लोगों को कवर नहीं करना है, बट आपके पास में एक स्कोप होता है कि एक मंच है, एक एरिया जिसके के ऊपर आपको एक्टिंग करनी है, तो आप उस मंच के ऊपर आप एक्ट करते रहते हैं। आप उस मंच के ऊपर अपने डायलॉग बोलते हैं, एक सिलेक्टेड ऑडियंस होती है, लिमिटेड ऑडियंस होती है, कोई कमी हो भी गई तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक बात बताऊं, उसमें कुछ लोग तो अपने ही इनवाइटेड होते हैं जो स्टेज का प्ले देखने आते हैं। तो मैं कमर्शियल प्लेस की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें कमर्शियल ऑडियंस, कमर्शियली एक्टर्स काम करते हैं, और ये वो थिएटर प्लेज है जो एक तरह से बेसिकली आपके सीखने के लिए होते हैं। रेडियो की टेक्निक्स अपनी होती हैं, बट जब आप कैमरा पर काम करते हैं तो माइंड इट, आपको कैमरा की टेक्निकल डिटेल्स का बहुत सारा ध्यान रखना होता है। सबसे पहले आपको मीटर का ध्यान रखना होता है, आपको अपने मार्क का ध्यान रखना होता है। एक मार्किंग कर दी जाती है या आपको बता दिया जाता है कि आपको इस स्पॉट के ऊपर खड़ा होना है और अपने डायलॉग बोलने हैं, या आपको पीछे से ऐसे चल के आना है, इस स्टॉप पर रुकना है, इस स्पॉट के ऊपर आपको रुकना है, स्टॉप होना है, और यहां से आपको अपने डायलॉग बोलने हैं, या आपको पीछे से घूमकर आना है और सामने वाले की तरफ देखना है, यानी आपको फेशियल जेस्चर से अपनी बात कन्वे करनी है, फिर वो कुछ बोलेंगे तो उसके बाद में आपको अपने डायलॉग बोलने हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सारी की सारी एक कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी है और आपको यहां पर अपने कॉन्फिडेंस का डिस्प्ले देना होता है, साथ में किस इमोशन में आप अपने डायलॉग्स कह रहे हैं उसका डिस्प्ले देना होता है। सामने वाला क्या कहेगा उसके बाद में आपने अपने डायलॉग बोलने हैं, तब तक आपको पेशेंस रखनी है विद ऑल द इमोशंस ऑन योर फेस जो उस परिस्थिति में उस समय चल रहे हैं। आपको अगले व्यक्ति के डायलॉग्स का ध्यान रखना है, या जो आपके राइट में खड़े हैं उनके फेशियल जेस्चर्स का ध्यान रखना है और बीच में आपको उन्हें भी जेस्चर देना है। आप समझ रहे हैं? सपोज मैं कहीं खड़ा हूं और कोई सामने से मुझसे बात कर रहा है और वो एकदम गर्दन ऊंची करे तो मेरे को लगेगा कि पीछे कुछ और भी है जिसको वो देख रहे हैं, या वो गर्दन ऐसे घुमा दें, ऐसे राइट टू लेफ्ट, तो मेरे को लगेगा कि भाई पीछे से कुछ पास हुआ है। तो एक एक्टर को जब वो कैमरा के सामने एक्ट कर रहे हैं, अपने फेलो एक्टर्स के जेस्चर्स, उनके डायलॉग्स, उनकी एंडिंग्स कि कहां उनके डायलॉग एंड होंगे, कौन दूसरा जेस्चर करेगा, वो क्या रिएक्शन देंगे उस जेस्चर को लेकर, अगर कोई म्यूजिक आ रहा है तो उसके ऊपर उनका क्या रिएक्शन होगा बैकग्राउंड म्यूजिक से, या कोई पीछे से कोई और कैरेक्टर दौड़ता हुआ आ रहा है या चलता हुआ आ रहा है तो उन्हें उसके साथ उस पर भी फोकस करना है, उसके साथ उन्हें उसके ऊपर भी फोकस करना है। और अगर कोई नीचे ऐसा ऑब्जेक्ट पड़ा है जो कि शूटिंग का हिस्सा है, उससे कोई कॉमिक, कोई डरावनी, कोई वीरता भरी, कोई एक्शन सीक्वेंस क्रिएट होती है तो उन्हें उसको भी देखना है। सपोज कोई फाइट सीन चल रहा है, नीचे तलवार पड़ी है तो उन्हें पहले देख लिया, आपको उसको झुक के उठाना है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं?
यानी एक सीन के अंदर जब हम कैमरा के सामने परफॉर्म करते हैं, सबसे पहले तो हमें अपने मार्क का ध्यान रखना है, हमें खड़े कहाँ होना है, और सभी कैरेक्टर्स के साथ में डायलॉग्स की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना है, और सभी एक्टर्स के साथ में आपको बॉडी मूवमेंट, अगर कोई मूवमेंट वाला सीन है उसका भी पूरा ध्यान करना है, जो कि आप रिहर्सल्स के बाद में कैमरा के सामने आते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ में परफॉर्म करना है। फिर आपको इमोशन का ध्यान रखना है कि किस इमोशन में आप परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सा एक्सप्रेशन है। फिर आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज का, कि आपके हाथ यूज होंगे, आपकी आंखें यूज होंगी, आपकी क्या कहते हैं आईब्रो यूज होगी या आईलिड्स यूज होंगी, पलकें यूज होंगी या आपके होंठ यूज होंगे, सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। या सामने वाले की तरफ से उसकी आंखें यूज होंगी, आईलिड्स यूज होंगी, गाल यूज होंगे उसके, या अगर वो ऐसे मुंह बना रहा है दांत यूज होंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको हर एक्सप्रेशन का, हर मोमेंट का, हर डायलॉग क्यू का, या कोई साइलेंट खड़ा हुआ है उसके फेशियल जेस्चर्स का, या कोई चीज़ पड़ी हुई है वहाँ शूटिंग के अंदर और उसका उस सीन से ताल्लुक है, उस पर कैमरा जाता है तो आपका वहाँ फोकसिंग का, आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। या आपको अपने मार्क से हटके कहीं मूवमेंट करके जाना है उसका ध्यान रखना है, या आप लेफ्ट से राइट चल के आए हैं उसका ध्यान रखना है। आपको आपका सीन जब चालू हुआ है इमीडिएटली अपने डायलॉग्स स्टार्ट करने हैं, जब क्लैप बोर्ड बजता है और असिस्टेंट वहां से हट जाता है, आपको असिस्टेंट डायरेक्टर की इंस्ट्रक्शन जो आपको इशारे से मिल रही होती है उसका ध्यान रखना है, आपको डायरेक्टर का ध्यान रखना है, अगर कोई ट्रॉली शॉट है तो आपको उसका ध्यान रखना है, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां होनी चाहिए उसका आपको ध्यान रखना है, आपको अगर कोई क्रेन शॉट है तो आपको उसका ध्यान रखना है। मींस आपको टेक्निकली चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आप टेक्निकली चीज़ें आपको नहीं आती और आपको सिर्फ एक्टिंग आती है तो आपको उन टेक्निकल चीज़ों को सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप उन टेक्निकल चीज़ों को नहीं सीखते हैं तो आपका सीन खराब होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। उसके बाद में बैकग्राउंड म्यूजिक जो वो प्ले करेंगे उसका आपको अटेंशन रखना है कि यहाँ से ये म्यूजिक स्टार्ट होगा तो मुझे अपनी लाइंस बोलनी है, यानी बहुत सारी डिटेलिंग का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक बहुत बड़ा ध्यान ये भी होता है कि लाइटिंग का, कि कहाँ कहाँ से लाइट आ रही है, उन्हें ये भी ध्यान रखना है। उन्हें ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी लाइट उनके ऊपर पड़ रही है, कहीं कोई लाइट फेस से आउट तो नहीं हो रही। मालूम चला कि कोई लाइट आपके फेस से आउट हो रही है या आप उसमें पूरे नहीं आ रहे हैं, आधे आ रहे हैं आधे नहीं आ रहे, शेडोज आ रही हैं, आप वो सीन तो कर लेंगे, आप वो सीन तो कर लेंगे, ओके भी हो जाएगा, बट उसका वो रिजल्ट नहीं आएगा जो रिजल्ट आना चाहिए था, यानी आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, वो वाहवाही नहीं मिलेगी। तो कैमरा के सामने आपको ढेर सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, कोई भी सीन एक ही बार में कंप्लीट शूट नहीं होता, वो पीसीस में शूट होते हैं। यहाँ पर जब पीसीस में शूट होते हैं तो आपकी पेशेंस का टेस्ट होता है। आप कहते हैं यार ये क्या, देखने में तो बस इतना सिंपल था 1.5 मिनट का और करते हुए हमें इसको हो गए 2.5 घंटे। तो माइंड एट यही कला है, टेक आफ्टर रीटेक, रीटेक 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 के बाद में आपका जो फाइनल टेक होता है उसको रखा जाता है। तो ऐसे एक्टर बिल्कुल ना बनिए कि आप बहुत सारे रीटेक देने वाले एक्टर बन जाएं। अगर आप बहुत सारे रीटेक देंगे तो माय डियर, हमारी ये लाइन ना बहुत छोटी है, माउथ पब्लिसिटी से ये बात हर तरफ फैल जाएगी कि आप अच्छे से एक्टिंग में परफॉर्म नहीं कर पाते, आपको कैमरा स्किल्स, कैमरा नॉलेज नहीं है, तो आपको आगे काम मिलने में दिक्कत होगी। तो मेरी आपसे ये एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, कैमरा पर जाने से पहले कैमरा फ्रेंडली होना सीख लीजिए, उसके सामने कैसे खड़ा होना है, कहाँ खड़ा होना है, टेक्निकली उन चीज़ों को सीख लीजिए, शूटिंग कैसे होती है उसको भी समझ लीजिए,
आपके वो उन्होंने मिड शॉट लेना है, आपका क्लोजअप लेना है, लॉन्ग शॉट लेना है, इन सब बातों को आप समझ लीजिए। उसके बाद में आप कैमरा के सामने आप जाइए। कई बार हम चीट शॉट्स लेते हैं कि हमने अंदर का हिस्सा दिखाया जी, वो किसी होटल का था और वो हमने जबकि किसी लॉन्ज में ही ले लिया, और बाहर हमने दिखाया कि विलेन हीरोइन को लेकर भाग रहा है, तो वो हम किसी फार्म हाउस के अंदर शूट कर रहे हैं, हम 10-15 कारें खड़ी करके होटल की पार्किंग दिखाकर। तो आपको पता होना चाहिए कि चीट शॉट्स क्या होते हैं। मीन्स आपको कैमरा की एक बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एक्टिंग से कोऑर्डिनेशन को बनाते हुए, यानी एक्टिंग का ज्ञान अच्छा है बट एक्टिंग को आप कैमरा के साथ में प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए, अदरवाइज आपको काम करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो ये थी हमारी टिप्स हाउ टू फेस द कैमरा। अगले एपिसोड में हम हाजिर होंगे विद मोर टिप्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।